नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की भयावह स्थिति के चलते लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। दिल्ली के साथ साथ देश के कई शहरों में हालात इतने विकट हो गए हैं कि प्रदूषण की वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। प्रदूषण की वजह से पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण ने दिल्ली NCR में हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने यहाँ के लोगों की उम्र 10 साल कम कर दी है। पूरे उत्तर भारत में उम्र औसतन 7 साल कम हो गई है, लगभग ये मैं बात कर रहा हूँ। और ये दावा शिकागो यूनिवर्सिटी की शोध संस्था एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने अपने विश्लेषण के जरिए की है। संस्था ने यह विश्लेषण सैटेलाइट डेटा के आधार पर किया। विश्लेषण में 2016 के बाद का डाटा जो है उसको हालांकि शामिल नहीं किया गया है। AIPC ने विश्लेषण जारी करने के दौरान बताया कि बढ़ते प्रदूषण में हर कोई स्वीकार कर रहा है कि नवजात शिशु को जब पहली सांस लेता है उसके अंदर प्रदूषण जा रहा है। प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि 24 घंटे में 20 से 25 सिगरेट के बराबर है, अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रदूषण को लेकर सरकार अपना दावा करती है, राज्य सरकारें अपना तर्क दे रही हैं, सुप्रीम कोर्ट भी अपनी नाराजगी जाहिर करता है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार कब प्रदूषण से निजात मिलेगी और लोगों को स्वच्छ हवा कब मिलेगी। आज की बड़ी बहस इसी पर। तो प्रदूषण का आपातकाल कब तक इस संकट को लेकर के रोना रोया जाएगा। सवाल यह कि सरकारें कर रही हैं काम, कोर्ट अपना काम कर रही है, विशेषज्ञ अपना रहे, वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब हमारी अपनी जिम्मेदारी की बात होती है तो बहुत हद तक हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं, या यूं कहें कि इस प्रदूषण को कम कर सकते हैं। थोड़े से कुछ उपाय हैं कि वो पौधे लगा करके ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे ये जानकारी। तो पौधे लगाएं, प्रदूषण मिटाएं। तो तुलसी का पौधा लगाएंगे तो आप दिन रात ऑक्सीजन देता है, प्रदूषण दूर करता है और तुलसी के पौधे का वातावरण में अनुकूल प्रभाव भी पड़ता है। साथ ही साथ एरिका पॉम पौधे से शुद्ध हवा मिलती है, इसकी देखभाल के लिए पत्तियों को हर रोज साफ करना जरूरी होता है। मनी प्लांट पौधा हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है और हमें सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन देता है। इसी कड़ी में एलोवेरा का नाम भी है। एलोवेरा में कई सारे औषधीय गुण होते हैं और इस पौधे को आसानी से आप घर में लगा सकते हैं। एलोवेरा हवा को शुद्ध रखता है। ये कुछ ऐसे पेड़ हैं जो आप अपने ड्राइंग रूम की शोभा भी बढ़ा सकते हैं। स्नेक प्लांट, हिंदी में इसे नाग पौधा कहा जा सकता है। ये पौधा हवा को आसानी से फिल्टर कर देते हैं और इसे कमरे, ऑफिस या केबिन के किनारे भी लगा सकते हैं। पाइन प्लांट, घर की हवा को शुद्ध बनाने में पाइन प्लांट यानी कि देवदार का पौधा भी काफी मशहूर है। पत्तियां छोटी होने के चलते इसे बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत भी नहीं होती है। पीस लिली घरों में प्रयोग होने वाला एक आम पौधा है जो हानिकारक गैसों को खत्म करने के साथ ही धूल नष्ट कर घर की हवा को शुद्ध कर रखता है। इंग्लिश आइवरी, कम रोशनी वाली जगहों के लिए पौधा सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ये पौधा वातावरण की जहरीली गैसों को खत्म कर शुद्ध हवा देने में मददगार है। ये कुछ खाली पौधे हैं जो हमने बताया कि जिनको आप लगा सकते हैं और जो प्रदूषण की जो विकट स्थिति से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने भी घरों में ऐसे पौधों को लगाने की सलाह दी है जो न सिर्फ प्रदूषण को कम करते हैं बल्कि घर की शोभा भी बढ़ाते हैं, जो आज की तारीख में हम सब के लिए एक बेहतर विकल्प है और हम पौधों को घर में लगाकर बहुत हद तक प्रदूषण से निजात मिल सकती है। तो फिलहाल जिस हम आपातकाल की बात कर रहे हैं इससे कैसे निजात मिल सकती है, आज हम कुछ चीज़ों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमने खास मेहमान बुलाए, हमारे साथ BJP प्रवक्ता शबनम पांडे जी भी हैं। शबनम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। RLD प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और खास मेहमान वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ मोहित सिंह जी हैं जिनसे हम बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे और समझेंगे। मोहित जी के बारे में बता दें कि प्रांतीय चिकित्सक सेवा संघ उत्तर प्रदेश के वित्त सचिव भी हैं। मोहित जी एक बार
फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं, मैंने कुछ जो पौधे हैं उनके बारे में भी बताया जागरूकता के तौर पर कि हम अपनी ओर से क्या कर सकते हैं, बहुत हद तक निजात मिल सकती है हमें इस पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के। सबसे पहले मैं वरिष्ठ चिकित्सक मोहित जी के पास आऊंगा। मोहित जी, जब हम आज हर तरफ देख रहे हैं किस तरीके से पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के बात की जा रही है और आपातकाल जैसी स्थिति है, कोर्ट तक को हस्तक्षेप करना पड़ा, मैं एक लेमैन के तौर पर, हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं कि किस तरीके से इंडेक्स की बात करें, कितना लेवल, एक क्या करें ऐसी स्थिति में, हालांकि जिस तरीके से जो आंकड़े आ रहे हैं वो वाकई में बहुत चौंकाने वाले हैं, लेकिन एज चिकित्सक के तौर पर आप क्या कुछ सलाह देंगे और ये स्थिति ऐसी क्यों बन गई, बहुत आसान सी सरल सी भाषा में सर बताइए। देखिए, मनुष्य की उत्पत्ति के साथ प्रदूषण जुड़ा हुआ है और वायु प्रदूषण पिछले विकास के साथ सीधे जुड़ा हुआ है। भारत एक विकासशील देश है जहां लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, हमारी आबादी बढ़ रही है, जिसके कारण हमारे रोड पे गाड़ियां बढ़ रही हैं, तो प्रदूषण हमारा, वायु प्रदूषण खासकर बड़े शहरों में लगातार बढ़ रहा है। इसमें हम बचाव के लिए ज्यादा से ज्यादा समय हम कोशिश करें कि घर में रहें, और बाहर जब जाना हो तो हम एक प्लान बना के जाएं कि कम से कम समय बाहर रहना पड़े, खासकर बच्चों को और बुजुर्गों को। सुबह और शाम जबकि सड़कों पर गाड़ियां बहुत ज्यादा संख्या में होती हैं, उस समय प्रदूषण का लेवल बहुत ज्यादा होता है। उस समय खासकर बुजुर्ग और बच्चे घर से ना निकले, या अगर आवश्यक है निकलना तो बहुत सारे मास्क उपलब्ध हैं इस समय, उनको लगाकर ही बाहर निकले। हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अगर बना रहे हैं तो उसके साथ में हम जो उसका नॉर्मल इंडिकेटर है कि कितने उसमें पौधे लगाने हैं, वो उसका प्रॉपर फॉलो करते चलें जी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने का प्रयास करें जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, बहुत हद तक इससे निजात मिल सकती है, डॉक्टर साहब ने भी यही कहा। मैं बीजेपी प्रवक्ता शबनम जी के पास आ रहा हूँ। शबनम जी, इस स्थिति कितनी भयावह हो रही है, कोर्ट तक को हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार को कोर्ट तक ने फटकार लगाई है, अब स्थिति ये हो गई है। देखिए आलोक जी, निश्चित तौर पे जो स्थिति है बहुत भयानक है, और ये करीबन 2 से 3 दशकों से ये स्थिति धीरे 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 इस यहाँ तक पहुँची है कि आज इमरजेंसी का अनाउंसमेंट हुआ। लेकिन देखिए, सरकार ने, जो अभी प्रेजेंट सरकार है, उसने बहुत से ऐसे प्रयास किए हैं जिससे कि इंडोर और आउटडोर, हमारे घर के अंदर और घर के बाहर के पॉल्यूशन को कम करने के लिए। मैं कुछ एक उसमें उदाहरण भी आपको दूंगी, लेकिन अभी बहुत से और प्रयास भी सरकार कर रही है। सबसे पहली बात तो बताऊं कि जब इस तरीके की स्थिति आई दिल्ली में, तो हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील हैं, वो और उनके प्रधान सचिव के साथ उनकी पीएमओ ऑफिस में मीटिंग हुई है इस बारे में कि और क्या क्या कदम उठाया जाए। और इससे ये पता चलता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस मसले पे बहुत ही संवेदनशील हैं और कड़े कदम उठाने जा रहे हैं। देखिए, वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, क्योंकि वृक्ष एक ऐसा ये है कि हमने, जो मनुष्यों ने क्या किया कि हम पर्यावरण से खिलवाड़ किया, और आज जो हमने पर्यावरण का दोहन किया है, इसीलिए हमें इस स्थिति को देखना पड़ रहा है। तो वृक्षारोपण का कार्यक्रम वृहद रूप से पूरे देश भर में करा गया और शहरों में। वृक्षारोपण की आप बात कर रही हैं, यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा राजनीति पे नहीं जाना चाहता, लेकिन पेड़ लगाइए देश बचाइए, लेकिन पेड़ लगाइए और पेड़ बचाइए भी। पेड़ कितने पेड़ जो है वो मुरझा गए, ये आंकड़ा है किसी के पास क्या, किसी ने जानने की कोशिश की क्या? निश्चित तौर पे जब पेड़ लगाया जाता है तो उसके देखभाल के लिए वन विभाग को पूरी जिम्मेदारी। वो आज हकीकत भी देखी, मैं उस हकीकत को भी दिखाऊंगा। इस सवाल का जवाब मुझे लगता है अभिषेक जी बहुत अच्छा सा देंगे। अभिषेक जी, जो इस बीच आ रहा हूं मैं, और भी कुछ आपसे जानकारी लूंगा, लेकिन अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, ये स्थिति हमेशा लगभग दीपावली के आसपास आती है, ये प्रदूषण को लेकर के किस तरीके से भयावह स्थिति हो जाती है, आपातकाल जैसी स्थिति हो जाती है और अंत में कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। कोई भी एक सरकार रही हो, चाहे वो आपकी सरकार रही हो, हमेशा स्थिति यही आती रही है, हमेशा हम लोग ऐसी डिबेट करते रहेंगे, स्थिति यूं ही चलती रहेगी क्या सर?
आलोक जी, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। इसके लिए मैं सबसे प्रमुख तौर पे दो लोगों को जिम्मेदार, दो तरीके के लोगों को जिम्मेदार मानता हूँ। एक तो खुद को जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि खुद से मतलब यह है कि सभी लोग उसमें आ जाते हैं, क्योंकि अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, जो मौजूदा सरकार चाहे जिस समय की हो उसके ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। मैं सबसे पहले अपने ऊपर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा काम होता है कि हम जो पेड़ पौधे लगाएं वो जब इन्वायरमेंट के हिसाब से लगाएं तो हमारे घर के साथ साथ बगल के वातावरण को भी शुद्ध करने का काम करती है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, अगर आप बारीकी से देखेंगे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, वो उसका काम होता है कि वृक्षारोपण करना और सही पैमाने पे करना, जो जो ऑक्सीजन देते हैं, यानी कि सिर्फ आर्टिफिशियल टाइप के पेड़ लगा दिए हमने जो ऑक्सीजन मात्रा में कम देते हैं, उनको नहीं लगाना है। अब जैसे अभी मैं आप बात करूं, कभी स्वप्नम जी बोल रही थी कि बहुत सारे प्रयास किए लेकिन प्रयासों को गिना नहीं पाएंगे, नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, पीएमओ में मीटिंग की बात करें, पीएमओ में इस वृक्षारोपण संबंधी कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं, अभी इन्होंने जिक्र किया वृक्षारोपण और उसकी स्थिति के बारे में बता रहे हैं, सरकार ने वृक्षारोपण किया जरूर लेकिन एक रिकॉर्ड बनाने के लिए, और उसमें से कितने पेड़ जीवित रह गए, कितनों को हमने सजोया, यही सवाल मैंने उठाया था, कितना अब वो पेड़ संरक्षित है। मैं जरा मोहित जी से सवाल का जवाब लूंगा। सर, जब वृक्षारोपण की बात की जा रही है, रिकॉर्ड भी बन गया, पिछली सरकारों ने भी, मुझे याद है कि मोधापारा में एक रिकॉर्ड बना था और वर्तमान सरकार में भी, लेकिन वो कौन से पेड़ हैं जो वाकई में, क्योंकि इसमें कई हल्की पत्ती वाले भी कई ऐसे चले, मेडिकेटेड कितने हैं पेड़, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब सर मैं जरा आपसे चाहूंगा। देखिए, पौधे जो बड़े साइज के हैं, खासकर जैसे पीपल, आम, जो बड़े पौधे हैं, अगर इनका वृक्षारोपण करेंगे तो वो लंबे समय तक हमें ऑक्सीजन देंगे, वातावरण में प्रदूषण को कुछ हद तक कम कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि वातावरण का प्रदूषण ये खत्म कर देंगे, बिल्कुल कोशिश तो, भी है कि कुछ हद तक भी कमें तो भी एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन इसमें समय लगेगा। वृक्षारोपण जब आप शुरू करते हैं तो वृक्ष के पूरे बड़े होने में कुछ समय लगेगा। हाँ, ये जरूर ध्यान देने वाली बात है कि वृक्षारोपण के बाद वृक्षों की सुध भी ली जाए। जी शबनम जी, देखिए अब सीधी सी बात है कि वृक्षारोपण कराया गया तो थोड़ी सी स्थिति बेहतर करने के लिए, वृक्षारोपण कराया गया, रिकॉर्ड भी बने, लेकिन सुध किसने ली? बहुत से ऐसे पेड़ है जो सूख गए ऐसे ही, उचित जलवायु के अभाव में। आलोक जी, पहले मैं सरकार ने क्या क्या स्टेप्स उठाए जो मुझे ध्यान आ रहा है वो मैं सारा बताना चाहती हूँ। देखिए, जिस तरीके से लकड़ी, पत्ते, ये सब जला के चूल्हे जलाया करती थी हमारी महिलाएं, हमने गैस कनेक्शन दिया ताकि उनसे निकलने वाले धुआं जो इंडोर पॉल्यूशन करता है, घर के अंदर पॉल्यूशन करता है, महिलाओं को सिगरेट पीने से ज़्यादा हानि करता था, बच्चों के को हानि करता था, उससे निजात दिलाने का सरकार ने काम किया। बिजली एक ऐसी चीज़ थी, अगर घर में नहीं हुआ तो हर घर में किरासन तेल या कोई और ईंधन इस्तेमाल करके डिबरी जलाई जाती थी, उससे सरकार ने निजात दिलाया। फिर एलईडी लाइट जो कि आप पहले सुन लीजिए, अभी तो आप कह रहे थे ये गिनवा नहीं पाएंगे और गिनवाने लगे, तो आप राजनीति शुरू कर दिए, आप राजनीति शुरू कर दिए। आप पहले एलईडी जो लाइट्स हैं वो बहुत महंगे मिला करते थे, उनको सस्ते दामों में सरकार ने सारे चौराहे सब सड़कों पे लगवाया, जिससे कि कोयले से जो हम पार जनरेट करते थे उसका प्रेशर भी तो बताइए। आप गलत बात मत करिए, कोई घोटाला नहीं हुआ। जब एलईडी नहीं जला करता था तो कमीशन को नहीं हुआ करता था, लेकिन आज सस्ते दामों में एलईडी मिल रहा है और सारे स्ट्रीट्स पे एलईडी लग रहे हैं, जिससे कि कोयले से जो पावर जनरेशन होता था उसका डिस्ट्रीब्यूशन अन्य चीजों में किया गया। और सोलर पैनल जो हम और भी अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है, अतिरिक्त जो ऊर्जा को ये करने की जो हमारे पास उपाय है, जैसे सोलर एनर्जी है, हमने सोलर एनर्जी जनरेट करने के लिए सोलर पैनल सब्सिडी रेट में जनता को देना शुरू किया, हमने ऐसे बहुत से, चलिए बात हम शबनम जी चाहे जितनी करें, हमने हमने जुर्माना रखा, हमने जो कितने बताइए, मार्च 2020 तक कितने परसेंट पराली जलाई जाती, ये भी तो बताइए ना। आप पहले पूरी बातें सुन लीजिए, उसको उस पर भी आऊंगी मैं।
BS6 व्हीकल्स को हम मार्च 2020 से एसेंशियल कर देंगे। हम प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो है रोड पे जो प्रदूषण होता है गाड़ियों से उसके लिए एसेंशियल हमने कर दिया। सबको सर्टिफिकेट लेना है, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा उनके रजिस्ट्रेशन गाड़ी के रद्द करने तक के प्रावधान किया गया है। फिर हमने 2029 तक ई व्हीकल की सुविधा का किया है कि अब ई व्हीकल होगा और ये सब चीजें चलिए ये सब कुछ होगा लेकिन जी ठीक है चलिए ठीक है मुझे जी अभिषेक जी चलिए सेंट्रल की स्कीम है पहले इनको ये नहीं मालूम है मुझे लग रहा है कि शायद होमवर्क करके नहीं आई है। सेंट्रल की स्कीम है कितने सारे इनको शायद अभी अवगत नहीं है शायद मुझे लग रहा है और सुभाष ये नहीं है सर मैं आज यहाँ पर ये चर्चा नहीं करने के लिए बैठा हूँ कि ये केंद्र सरकार की योजना है या राज्य सरकार की लेकिन सर सर सुनिए मेरी बात सुनिए आप दोनों लोग मेरी बात सुनिए बात के सर जो इस समय जो स्थिति है जो आंकड़े हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। मैं सरकार की योजनाओं की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन विडंबना आइए मोहित जी से जरा मैं सवाल का जवाब लेता हूं। मोहित जी आज हम योजनाओं की बात नहीं कर रहे लेकिन स्थिति जो ये है कि नवजात शिशु भी जब पहली सांस लेता है तो उसके अंदर प्रदूषण चला जा रहा है और इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि 24 घंटे में 20 से 25 सिगरेट के बराबर है अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में आम आदमी क्या करे क्या ना करे सर क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए हम तो प्रदूषण जो आज बढ़ रहा है उसमें बच्चों के लिए लेड सबसे खतरनाक है जो कि उनके मानसिक विकास में बाधक है और लेड का जो मेजर सोर्स है वो हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं और जो हम उसमें अनलेडेड पेट्रोल यूज कर रहे हैं। तो सरकार को एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म प्लान से नहीं हो पाएगा, एक लंबी अवधि का कुछ एक प्लानिंग करनी होगी। इसके पहले लंदन में 1952 में कोयला जलाने से एक भयावह स्थिति पैदा हुई थी, वहाँ बहुत सारी मौतें हुई थी। उसके बाद सरकार ने एक लंबी अवधि का प्लान बनाया, इम्प्लीमेंट किया और आज वो साफ शहरों में आता है जी। तो हमें सबसे जरूरी है कि हम प्लान करें और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करें जी। आज की डेट में जो समय की मांग है वो यही है कि आप लंबी अवधि का प्लान बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म प्लान लाने की सरकार को जरूरत है। किसान नेता हरनाम सिंह जी भी हमारे साथ हैं। हरनाम जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो आज हम वायु प्रदूषण को लेकर के बात कर रहे हैं, जो आपातकाल जैसी स्थिति है, कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। आप किसान नेता, इसलिए किसानों से जुड़ा मेरा पहला सवाल कि जो रिपोर्ट आई है उसमें तकरीबन आधे प्रदूषण के लिए दोषी पराली है, क्या आप मानते हैं? देखो आलोक जी, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे सरकार लगा रही है चाहे टीवी चैनलों पे बैठ के ये जो किसानों पे आरोप लगाए जा रहे हैं, पराली के वजह से हो रहा है। पराली ये पिछले 3 साल से डिबेट का मुद्दा बना है। 3 साल से आप देख लो, आप मीडिया के हैं, मेरा ये कहना है कि पराली पहले भी जलाई जाती थी, गन्ना पहले भी जलाया जाता था, धान की जो फसल जो पैरा है पराली जिसको कहा जाता है वो पहले भी जलाया जाता है। हम पूरे समाज से एक हमारा सवाल है कि आखिर सरकार, जब आप कृषि यंत्र में, कृषि में प्रयोग होने वाली जो मशीनें हैं, सरकार ने उस पर GST 28% लगा रखा है। हम कहते हैं कि बहुत इस विषय पे बहुत चर्चाएं हुई तमाम बुद्धिजीवी लोगों से, मेरा आलोक जी कहना है कि ये जो पराली जलाने की बात आज के डेट में चर्चा का विषय दिल्ली से लखनऊ तक बना है, इसमें किसान भी, अगर इस पे सरकारें पूरे साल में ध्यान, GST आप हटा दो, हम कृषि यंत्र खरीद लें, उस पैरे को काट के खेत में सड़ा देंगे, लेकिन आप 28% GST लगाए हो। और मैं आलोक जी आपको बता दूं, मैं थोड़ा लेट आया हूं, जाम में फंसा था। मैं अपने गांव से जैसे मटियारी चौराहा से आपके स्टूडियो तक आने में हमको 1.25 घंटे लग गया। इतने मोटर, इतनी गाड़ियां, इतनी मोटरसाइकिल चल रही, कोई नियम कानून नहीं है। इसलिए नियम कानून नहीं कि सरकार को वो गाड़ी जब बिकेगी तो उसको टैक्स मिलता है, सरकार को सिर्फ पैसे से मतलब है। इसमें जनता पिस रही है, जैसा कि अभी भाई साहब ये बता रहे थे कि जैसे बच्चा पैदा होता है उसको 10 सिगरेट के बराबर जो है प्रदूषण झेलना पड़ रहा है। इसके लिए किसान आलोक जी कैसे दोषी है? पराली आज से नहीं जल रही है, इस देश में जब से
खेती हो रही आज से तो हमारे पुरखे कर रहे थे, न जाने सैकड़ों पीढ़ियां करती चली आ रही है। ये मुद्दा सिर्फ बनाया जा रहा है कि इसको थोप दिया जाए। चलिए जितने अब आपने मुद्दा उठाया, सरकार की इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? शबनम जी, एक अन्नदाता का दर्द है, इस सवाल का जवाब जिम्मेदारी से। निश्चित तौर पे हनाम सिंह जी जो कह रहे हैं कि पराली केवल जिम्मेदार नहीं है, बात सही कह रहे हैं, खाली पराली इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और सरकार भी ऐसा नहीं कहती कि खाली पराली, सरकार मानती है कि जिस तरीके से अनियंत्रित तौर पे ऑटोमोबाइल्स को सड़क पे उतारा गया, लंबे समय से किसी भी सरकार ने इस पे कोई रोड मैप नहीं बनाया, और उसके ईंधन के जलने से ही केवल नहीं, अगर गाड़ियां चलती हैं तो उसके टायर से सड़क की धूल हमारे वातावरण में जाती है, ईंधन जलने से केमिकल्स जाते हैं जो प्रदूषित करते हैं, तो तमाम। और पराली निश्चित तौर पे बहुत लंबे समय से जलाए जा रहे थे, जैसे कि चूल्हे की को जलाने के लिए ईंधन, लेकिन जब पर्यावरण दूषित होने लगता है, ये ग्लोबल इशू है, तो निश्चित तौर पे वो जो चूल्हे के ईंधन की मनाही अगर होगी तो पराली की भी मनाही होगी, क्योंकि बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है, वैसे ही पर्यावरण जब दूषित हो चुका है तो पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी हम आप सबकी है, तो इस पर किसी को ये नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल, जिम्मेदारी सबकी, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। जी अभिषेक जी, आप भी केंद्र सरकार में रहे हैं, ठीक है, मैं जरा अभिषेक जी से एक सवाल का जवाब। अभिषेक जी, 35% जो है, अभिषेक जी आप भी केंद्र में रहे हैं और राज्य में रहे हैं, सरकारों की कितनी जिम्मेदारी होती है? हर साल ये मुद्दा खड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल खड़ा होता है और खड़ा होता भी रहेगा, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, खड़ा होता भी रहेगा आने वाले टाइम पे। लेकिन हरनाम सिंह जी ने जो बात कही, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर आप देखेंगे पूरे देश में जो पराली जलाई जाती है वो 23% जलाई जाती है, ठीक है, और अगर आप आंकड़ों पे देखेंगे तो 67% जो होते हैं फैक्ट्रियों के धुएं होते हैं, जो गाड़ियों से जो निकलने वाला ईंधन होता है, मतलब डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सबके धुएं होते हैं, सबसे अधिक जिम्मेदार होते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि जो भी प्रदूषण होते हैं वो कैसे होते हैं, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं। मैं फिर वही बात, पहले मैंने अपनी बात जब स्टार्ट की तो मैंने तब भी कही थी, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन साथ में सरकार को भी जागरूक होना पड़ेगा। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बता दूं, अखिलेश सरकार ने, आप देखेंगे आपको याद होगा अभी भी मौजूदा उसमें है, रिवर फ्रंट बनाया गया था, उसमें कितनी सारी ग्रीनरी लगाई गई थी और कितना सारा करोड़ों का इन्वेस्ट हुआ था, लेकिन उसमें आज कितना बचा हुआ है? या जल प्रदूषण को कम करने के लिए हमने क्या किया? गंगा सफाई अभियान में करोड़ों अरबों खरबों का खप गए, लेकिन आपको बताऊं कि जब आप जल प्रदूषण के लिए भी अगर आप देखेंगे आने वाले टाइम में, ये भी आप शायद डिबेट कर रहे होंगे, मशीन जाती है पूरा निकाल करके साइड कर देती है, उसके बाद चला जाती है, उसकी शुद्ध लेने वाला कोई नहीं। आप अभी जा करके बनारस में भी देखिए, वो पानी ओवरफ्लो होकर के वापस उसी में मिल जाता है। तो मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि वो प्रैक्टिकल तौर पे है। जब तक अगर हम बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है जी, मैं आ रहा हूँ, मैं जरा मोहित जी के पास आ जाता हूँ। मोहित जी, ये समस्याएं जो हैं, ये वाकई में हम ये सब डिबेट पे और चर्चा करने में बहुत अच्छी लगती हैं कि किस तरीके से पोल्यूशन कहाँ कहाँ से फैला है, पेट्रोल से फैला है, डीजल से फैला है, पराली से फैला है, जितना प्रदूषित हो रहा है माहौल। लेकिन ऐसे में अब बड़ी बात यह है, क्योंकि आपके पास मैं एक बुक देख रहा हूँ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की, सर इसके कुछ अंश या इसमें से कुछ ऐसी जानकारी हो जो हम खान पान के जरिए बदलाव ला सकते हैं, बहुत हद तक बच सकते हैं हमारे उन दर्शकों के लिए जिन्होंने हमें ट्यून किया है। सर देखिए, अभी जो अर्बन एरिया की मेन समस्या, जो मुख्य समस्या इस समय, वो एयर पोल्यूशन है। इसके तीन मेजर कारण है। पहला है जिसमें जो एरिया है वहां पे बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बन जा रही हैं, जो हवा के वेग को अवरुद्ध कर रही है। प्रकृति ने क्लीनिंग का एक सिस्टम बना रखा था जिसको हमने अवरुद्ध कर दिया, हवा बहाव के साथ सारी पोल्यूशन को साथ में ले जाता है। दूसरा एक समस्या इस दीपावली के आसपास क्या होता है कि जो नीचे का टेम्परेचर होता है वो एकदम से ठंडा होता है, जिससे जो हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जो वो ट्रैप हो जाते हैं, हवा भी नहीं चल रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और वो फंसा हुआ है वहीं पे। इधर आप देखिए पिछले दो दिनों से थोड़ा सा क्लाइमेट में सुधार आया है, तो हवा तेज होने से थोड़ा बेहतर हुआ है जी। अब बचाव के लिए हमें फिर वही है कि प्लान करना होगा शहर बसाने का जी। हमें जो नियम है बिल्डिंग बनाने के, उनकी सख्ती से पालन सुनिश्चित कराना होगा कि कितने क्षेत्र में बिल्डिंग बनना है, कितने में ग्रीनरी लगना है और कितना ओपन स्पेस छोड़ना है।
ये जब तक हम लंबे अवधि के अपने टारगेट नहीं बनाएंगे तब तक परिवर्तन दिखेगा नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे में मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए मीडिया तो अपना काम कर रहा है, मौका आने पे वो इस मुद्दे को सामने लेके आया, उसके बारे में चर्चा कर रहा है। अगर चर्चा हो रही है तो एक संदेश जा रहा है जी। जो भी हमारी आम जनता है वो अपनी जिम्मेदारी समझ रही है जी। और पहले से सुधार आया है। अब हम गाड़ियों की पूलिंग कर सकते हैं। जो इस समय सबसे बड़ी समस्या है वो है जो सड़क पे गाड़ियां हैं, शाम सुबह आपको कोई भी सड़क खाली नहीं मिलेगी जी। तो हम बिल्कुल, लेकिन इसके लिए भी एक सुझाव आया है, इवन और ऑड, दिल्ली का फार्मूला उत्तर प्रदेश में क्या लागू हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, बड़ी बहस जारी है। छोटा सा कोरोना जीरो, तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की भयावह स्थिति के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। दिल्ली के साथ साथ देश के कई शहरों में हालात इतने विकट हो गए हैं कि प्रदूषण की वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई कारणों के बीच में पराली भी एक बड़ा कारण था। हरनाम सिंह जी, ब्रेक में जाने से पहले हमने पराली को लेकर के बात की थी, लेकिन किसानों का भी अपना दर्द है, अपनी समस्याएं हैं, देश के अन्नदाता की समस्या भी बात रखी जाएगी। मुझे लगता है जिस पराली को लेकर के सवाल उठ रहा है, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आप चाहूंगी कि आप लोगों की क्या समस्याएं हैं और सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं इस पराली को लेकर, मैं जानना चाहूंगा। देखिए आलोक जी, सरकारों से किसान आजादी के बाद हमेशा मांग करता चला आया कि किसान जो अनाज उत्पादन करे उसका अच्छा रेट मिले, वो भी खुशहाल हो। सरकारों ने ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया, लेकिन एक बार आपने देखा होगा कि राजीव गांधी जी ने कहा कि हम एक रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे इतने पैसे पहुंच, देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने महसूस किया होगा तभी ये बात कही होगी। जो वर्तमान सरकार है इस पे देश का किसान और आम नागरिक ने बड़े विश्वास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पहली बार चुना, फिर दोबारा, फिर उत्तर प्रदेश में चुना और देश के कई राज्यों में चुना। जो किसानों की, आम जनता की अपेक्षा इस सरकार से थी जी। दरअसल कमी कहाँ पे आ जाती है, जब कोई आदमी, कोई जैसे डॉक्टर है, कैंसर का डॉक्टर ये मान ले कि मैं भगवान हूँ, 10 मरीजों को उसने बचा दिया। देखो हमारे साथी बैठे, मेरी बात छोटी देसी हो सकती है लेकिन मैं जिस तरीके से बताना चाह रहा हूँ उसको आप समझने की थोड़ी कोशिश करना। बिल्कुल सर, मैं पूरा मौका दे रहा हूँ, आप अपनी बात रखिए। तो जैसे कोई आदमी ये मान ले कि नहीं, मैं दुनिया का सबसे बुद्धिजीवी वर्ग हूँ, सबसे बलवान व्यक्ति हूँ, तो वो जैसे भी किसी व्यक्ति में अहम आ जाता है उसकी ताकत और उसकी बुद्धि मर जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, हमारे जो किसान नेता थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, एक गांव में कहावत कहा करते थे, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, लेकिन बहम न पालो जी। बहम न पालो कि ये देश हम ठीक कर देंगे 4 दिन में 10 दिन में और 90 दिन में, 100 दिन का हमको मौका दे दो, हम 100 दिन में देश की जो समस्या है उसको खत्म कर देंगे। ये देश के एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी जब नोटबंदी हुई थी। दिक्कत यह है कि देश के प्रधानमंत्री, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं समनम जी, देश के प्रधानमंत्री जी देश के मूल किसानों से, जो हम उनको कोई समस्या, जो गांव ग्रामीण की समस्या है उनको बता सकते हैं, वो सुनने को देश की सरकारें तैयार नहीं है, किसानों से बात करने को तैयार नहीं है। और आलोक जी, बड़ी जिम्मेदारी से मैं एक बात कहना चाहता हूं, देश सबको जोड़ के चलता है। देश के प्रधानमंत्री, 5 साल पिछला टाइम बीता और ये टाइम बीता, एक बार किसानों से बैठ के चर्चा नहीं किया। शायद चलिए, ये किसानों का अपना दर्द था। शबनम जी, थोड़ा से मुझको और समय दे दो सर, बोलिए। चलिए, तो जब तक ये जो जानकार लोग हैं, जहां से समझ,
अच्छा प्रदूषण विभाग को बुला के जो जिम्मेदार काम करने वाले लोग हैं उनसे चर्चा नहीं करोगे, और जब ये अक्टूबर का महीना नवंबर का आएगा इसी टाइम में पड़ाके भी हम दगाते हैं, इसी टाइम में हवा का जो दबाव होता है बहाव कम हो जाता है, अभी डॉक्टर साहब ने बताया बहाव कम हो, आज देखो पछिया हवा चली है थोड़ा कम हो गई, कम हो गई है जी, जी। मेरा ये दावा है, आप बताओ पंजाब में पराली जलती है 400 किलोमीटर दूरी पे दिल्ली, चलिए वो मैं पूछ चुका हूँ सरकार से, जिस तरीके से कोर्ट ने भी कदम उठाया, फटकार लगाई यूपी सरकार, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार की। शबनम जी, अब मैं एक ऐसे सवाल की ओर आ रहा हूँ जिसको लेकर के इवन और ऑड का फार्मूला दिल्ली की तर्ज पर, आप बताइए क्या होना चाहिए और क्या ये समस्या का समाधान है? क्या देखिए क्या दिल्ली की तर्ज पर लाएगी सरकार? देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऑड और इवन करने से बहुत ज्यादा अंतर दिल्ली में भी आया होगा, क्योंकि जितनी नहीं, दिल्ली में बहुत परिवर्तन आया, जितनी बड़ी संख्या में वहाँ वाहन है। हाँ। इसका सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि जो प्राइवेट और पब्लिक व्हीकल्स हैं उन दोनों में अंतर, प्राइवेट जो व्हीकल्स है उनको कम करने की जरूरत है, उस पर कहीं ना कहीं सरकार लगाम लगाने की अगर सोचती है तो ये अच्छी बात है। इवन और ऑड के पक्ष में है या विपक्ष में ये बताइए? नहीं इवन ऑड भी करें तो अच्छा है, कहीं ना कहीं हमारी सड़कों पे जो नहीं, है अच्छा वाहन सरकार इस पर विचार कर सकती है कि वाहन की संख्या कम हो जाए। कहा है वो, मंत्री जी ने कहा है कि वो करेंगे, मंत्री जी ने कहा है खुद भी, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, यही जब दिल्ली में जब केजरीवाल सरकार करती है तब सरकार विरोध करती है, तब केजरीवाल सरकार ने साफ तौर पे अपनी अपना प्रदूषण अलग है, केजरीवाल सरकार का यूपी सरकार का प्रदूषण अलग है क्या? ये प्रदूषण भी अब अलग अलग हो गया है क्या? ठीक है, विजय गोयल साहब ने विरोध किया, विजय गोयल साहब ने दिल्ली में विरोध किया, किसानों के ऊपर ठेकरा फोड़ दिया कि जो भी दिल्ली में प्रदूषण है वो पा रहे हैं, कि दिल्ली सरकार अगर लाती है इवन और आठ तो विजय गोयल साहब विरोध करते हैं। केजरीवाल जी ने बोला, केजरीवाल जी ने बोला कि पराली पंजाब और हरियाणा में जल रहा है इसलिए दिल्ली, जब तो कोर्ट ने भी यही कहा, कोर्ट ने भी तो फटकार लगाई है हरियाणा पंजाब सरकार को, उसका उत्तर प्रदेश सरकार भी है, केजरीवाल खाली जिम्मेदार नहीं है, कोर्ट ने भी इस चीज को संज्ञान में लिया है चन्नम जी, और सरकार ने लंबे समय से दिल्ली में जो भी सरकारें रही उन्होंने कोई भी प्रदूषण रोकने का काम नहीं किया, लेकिन इवन ऑड का फार्मूला लाए जो विजय गोयल साहब ने विरोध किया, मेरा सवाल ये है और वही उत्तर प्रदेश में मंत्री जी लाने जा रहे हैं जी, देखिए अगर किसी अभिषेक जी को भी अपनी बात करने दीजिए, किसी प्रयोग का रिजल्ट आता है, देखिए आप विरोध करने के लिए विपक्ष में नहीं है, करके मैम अभिषेक जी को भी अपनी बात रखने दीजिए, ठीक है, विपक्ष को भी अपनी बात रखने का उतना ही हक है जी, अभिषेक जी आप अपनी बात रखिए। सबसे बड़ी चीज कि सरकार जो मौजूदा सरकार है वो हमेशा ठीकरा जो फोड़ती विपक्ष के ऊपर फोड़ देती है, ठीक है, और मैं आपको बता दूं, चलिए सुन लेंगे आप अपनी बात, आप अभिषेक जी को मौका देंगे, चलिए ठीक है, सब लोगों को अपनी बात रखनी है, नहीं आप बिल्कुल बोलिए जनता को भ्रमित कर रही है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज मैं बता दूं कि आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर देखिए कि एसी का धुआं भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं तो दिल्ली सरकार को ये सोचने की, अरे दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं, अपने स्टेट की बात कीजिए जिसके लिए आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप दिल्ली सरकार को रिप्रेजेंट नहीं कर, स्टेट पराली की बात दिल्ली सरकार ने उठाई है कि पंजाब और हरियाणा में पराली जला रही है, बात कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, जब दिल्ली सरकार ने इस बात को कहा है तो आप दिल्ली सरकार की बात मत कीजिए, 23% पराली जलाई जाती है आप उसकी बात नहीं कर रही है, आप देखिए अपनी जिम्मेदारियों से आप भाग नहीं सकती हैं। हम जिम्मेदारी से कभी नहीं भागते हैं। किसानों आप लंबे समय तक सरकार के समर्थन में रहे, आपने क्या किया? आपने क्या किया? आज देश को इस स्थिति में ला दिया, आपने देश के पर्यावरण को इस स्थिति तक पहुंचाया, दो दिन में पर्यावरण दूषित नहीं होता है, दशकों से सरकार की अनदेखी की वजह से हुआ, अब हमारी सरकार, मैंने सरकार के सभी प्रयासों को गिरा दिया, पर आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम पूरे विपक्ष में
स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया? स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी रही उसको इम्प्लीमेंट किया। चलिए अच्छा डॉक्टर के पास आ जाता हूं। डॉक्टर हम लोग यहाँ पर प्रदूषण दूर करने के उपाय की बात कर रहे हैं, यहाँ पर डिबेट में प्रदूषण किस तरीके से फैलता जा रहा है। मैं इससे पहले की स्थिति और थोड़ी सी ज्यादा आगे बढ़े, मैं मोहित जी आपसे जानेंगे और समझने की कोशिश करूंगा कि अगर हम बात करते हैं बढ़ते प्रदूषण की, तो यहां के लोगों की उम्र औसतन जो रिपोर्ट्स आई हैं कि 10 साल कम कर दी गई और पूरे उत्तर भारत में उम्र औसतन 7 साल कम हुई है। स्थिति वाकई में चौंकाने वाली है, भयावह है। इस पर कैसे इस पर नियंत्रण लग सकता है और आप जागरूकता के तौर पर आम आदमी किस तरीके से सजगता बरते, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, प्रदूषण जो फैल रहा है इसको कुछ हद तक हम रोक सकते हैं। जिस हद तक हम रोक सकते हैं उस हद तक हमें रोकने का प्रयास करना पड़ेगा। WHO ने वातावरण में जो प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन है, उसको रोकने के लिए 5 स्टेप बताए। पहला उन्होंने बताया कि जो वायु प्रदूषण है उसको रोक के प्यूरिफाई करने का प्रयास किया जाए और उसको कंट्रोल्ड वे में रिलीज किया जाए, जिससे कि प्रदूषण हवा के साथ कन्फाइंड ना हो एक क्षेत्र में। दूसरा उन्होंने कहा कि रिप्लेसमेंट, ऐसे यूनिट्स जहां पे प्रदूषण ज्यादा फैला रहे हैं उनकी जगह नए यंत्र लाए जाएं जो कि कम प्रदूषण फैलाएं। तीसरा उन्होंने कहा डाइल्यूशन, कि जो प्रदूषण है उसमें हम प्यूरिफाइड मात्रा एयर की मिला के थोड़ा थोड़ा करके उसको हम, और चौथा है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, कड़े नियम बनाने होंगे और सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा, उनको कड़ाई से उनका पालन भी कराना होगा। जी जी। और पांचवा है इंटरनेशनल एक्शन, जिसमें कि आप देखते हैं कि एक पूरे सारे देशों की मीटिंग होती है जिसमें वो लोग एक कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम प्रदूषण कम करने के लिए ये प्रयास करेंगे। पेरिस में सबमिट हुआ था तो जिसमें कि ये सभी देशों ने रेजोल्यूशन लिया था डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ कि हम क्या क्या पर्यावरण को संरक्षित करने, लेकिन उसके बाद भी स्थिति में कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं आया। डॉक्टर साहब एक सवाल और मैं आपसे, क्योंकि अब जब हमसे भी सब लोग मिलते हैं, जब हम डिबेट करने आ रहे थे उससे पहले भी जब कहा कि आपके यहाँ कौन कौन से गेस्ट आ रहे हैं, हमने कहा डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं, बीजेपी है, किसान नेता है और विपक्ष से भी हमारे साथ लोग, तो डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछेगा कि सांस लेने में उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है, उनको थोड़ी सी, तो ऐसे में आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? देखिए सांस लेने में समस्या हो रही है तो मेरा सुझाव ये होगा कि एक बार आप अपने पास के सरकारी अस्पताल में जाके अपनी जाँच करवा लें और एक बार अपना चेकअप करवा लें। इसके अलावा आप कोशिश करें ऐसी जगह है जहाँ पे प्रदूषण की संभावना ज्यादा है वहां जाने से बचें। अगर कुछ ऐसा प्रतीत होता है आपको, तो आप अगर आंखों में जलन होती है, सांस लेने में समस्या हो रही है, क्योंकि जो वायु प्रदूषण है उसका ज्यादा असर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता जी, है। जी जी बिल्कुल, जहरीली हवा किस तरीके से नुकसान पहुंचा रही, जरा हम ग्राफिक्स के भी जरिए एक बार जल्दी से अपने दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे। और डॉक्टर साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही साथ अन्य भी पैनल के लोग। जहरीली हवा से नुकसान, दिमाग को कम मिली ऑक्सीजन तो स्ट्रोक का डर, रेटिना खराब होने का डर, ड्राइनेस की शिकायत भी, फेफड़े का विकास नहीं हो पाता है, दमे का खतरा भी बना रहता है, तो हार्ट मरीजों के लिए बेहद खतरनाक है जहरीली हवा। डिहाइड्रेशन, डायरिया, पीलिया का भी खतरा है, बाल झड़ने जैसी शिकायत भी आने लगी, खून की नली में भी जम जाते प्रदूषक तत्व। डॉक्टर साहब ये जो जहरीली हवा से नुकसान है, इन सब से अगर एक मैं चाहूंगी एक छोटा सा एक बेसिक टिप्स दीजिए, कैसे बहुत हद तक बचा जा सकता है, एक लेमैन के तौर पर मेरा सवाल, कि अगर कोई डॉक्टर क्लिनिक पर भी नहीं जा सकता, घर बैठे थोड़ा सा उपाय कर सकता है और उसे जाना भी जरूरी है, सड़क पर भी निकलना जरूरी है, उसका बॉस भी नहीं तो नौकरी से निकाल देगा, उसे ये भी डर है, जाना भी जरूरी है और उसे कमता जैसे रोड से निकलना भी है, जाम की स्थिति से भी गुजरना, जहां से अभी हरनाम जी गुजर के आए। नामों से मार्केट में अवेलेबल, अगर जाना जरूरी है तो मास्क लगा के ही बाहर निकले और कोशिश करें कि आंखों पे चश्मा भी लगा लें। इसके बाद अगर आपको समस्या इसके बाद भी हो रही है तो इनहेलर्स आते हैं जिनको आप अपने साथ रख सकते हैं, और जिस समय सांस लेने में समस्या हो रही है उस समय आप इनहेलर का उपयोग भी कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, कोशिश करें कि उन सड़कों से कम जाए जहां पे ट्रैफिक ज्यादा रहता है। जी चलिए, ये जो छोटे छोटे उपाय हैं, शबनम जी क्या सरकार ने कुछ उन इलाकों को चिन्हित किया है या उन लोगों को चिन्हित किया जहां पर
ये स्थिति ज्यादा है, विकराल होती जा रही है, और जो लोग नहीं खरीद पा रहे उनको क्या कुछ बंटवारे किसी संस्था के माध्यम से या एनजीओ के माध्यम से, कुछ ऐसा है विचार क्या सरकार का? निश्चित तौर पे कुछ सामाजिक संगठन जो है इस तरह की चीजों को का वितरण करती है, और सरकार जगह जगह पे पानी का छिड़काव करा रही है ताकि जो धूल के कण हमारे हवा में आ जाते हैं वो नहीं हो। निर्माणाधीन भवन के बाहर ग्रीन नेट लगाने का सरकार ने कहा है, और कचरा जलाने वालों पे भी जुर्माना रखा है, और कहीं ना कहीं जो भी नियम कानून सरकार ने प्रदूषण सर्टिफिकेट सभी वाहनों को दिखाने का प्रावधान किया वो नहीं होने पे भी जुर्माना लगने का, तो सरकार पूरी तरीके से इस पर लगी है। पर निश्चित तौर पे इसको कहना होगा जो प्रदूषण दशकों से हुआ है उसको कंट्रोल में लाने के लिए लंबा समय लगेगा, लेकिन सरकार जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण सब पे काम कर रही है, और निश्चित तौर पे कुछ सालों में वो कंट्रोल हो जाएगा। अभिषेक जी, जब सरकार इतना कर रही तो विपक्ष क्यों इतना फिर विरोध कर रहा है भाई? अरे आलोक जी, ठीक है, वीआईपी एरिया में पेड़ों पे छिड़काव कर देंगे तो कौन सा प्रदूषण रुक जाएगा, आप ये मुझे बता दें। मैं तो सत्ताधारी से भी पूछना चाहता हूँ और आपसे भी, मेरा क्वेश्चन यही है, मेरा प्रश्न यही है कि अगर आप देखेंगे जिधर से वीआईपी मूवमेंट होता है उस जगह पे पानी का छिड़काव कर दिया जाता है, अरे बाबा अगर छिड़काव करना है तो कुछ ऐसा प्रावधान लाना पड़ेगा कि ये तो कोई भी सरकार का मंत्री निकलता है चाहे पिछली सरकार में, ये तो घटनाक्रम चलता ही रहेगा, इसमें वर्तमान सरकार कहाँ से आ गई? पानी का वेस्टर है, पर्यावरण दोहन करने में मास्टर थी, हम कम से कम पर्यावरण को साफ सुथरा करने के लिए आप आर्टिफिशियल रेनिंग नहीं कराएंगे तब तक की पेड़ों से कोई फायदा नहीं मिल पाएगा जो की उसके ऊपर मोटी मोटी पत्त जम गई है, ठीक है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि सरकार जो प्रयास अभी बता रही थी तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार के पास कोई भी ऐसा, देखिए कुछ एनजीओ जो होती है ठीक है वो एनजीओ अपना हमेशा काम करती रहती है, हमेशा के लिए पहल लोगों को जागरूक करने का, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं जब तक हमें जागरूक करने के लिए वो प्रयास करती है और छोटे छोटे ट्रीज भी बांटती रहती हैं, वो हमेशा का उनका काम है, इसमें सरकार कुछ नया नहीं कर रही है ना सरकार ने उनसे कुछ मदद ली है। देखिए विपक्ष में होने का मतलब खाली विरोध करना नहीं होता, आपको एक्सेप्ट करना होगा कि सरकार जितनी जागरूकता दिखा रही है, वृक्षारोपण, हमने भी पेड़ लगा दिए और क्या सपोर्ट करे, चलिए। अच्छा अच्छा ये बताइए हरनाम जी, एक फाइनल कमेंट, सरकारों ने इतना कुछ किया, पिछली सरकारों ने चाहे वर्तमान सरकार की, उसका कुछ असर नजर आ रहा है? ये तो साल दर साल समस्या ऐसी और ज्यादा विकराल होती जा रही है, और अगर कुछ असर दिखता तो शायद चाहे वो पिछली सरकार की बात करें या वर्तमान सरकार की, तो हमें शायद ये डिबेट ना करनी पड़ती है और कोर्ट को हस्तक्षेप ना करना पड़ता होता, और कोर्ट को राज्य सरकारों को, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो, पंजाब सरकार हो, हरियाणा सरकार को फटकार ना लगानी पड़ती, चैम्बर तक की किस तरीके से गैस चैम्बर तक के हालात जैसे बन गए वो संज्ञा दी है कोर्ट ने, इमरजेंसी के हालात जैसी संज्ञा दी है। देखिए आलोक जी, जब तक सभी लोग आरोप प्रत्यारोपों से हटके समाज में जो कल्याणकारी चीजें हैं उन पर अगर सब लोग मिल बैठ के अगर काम नहीं करेंगे, एक दूसरे की बात नहीं, ये कह देना कि आपकी सरकार ने बहुत भ्रष्टाचार किया है तो इसलिए थोड़ा बहुत हम भी कर रहे हैं, ये पराली का डिबेट कितने दिन से हो रही है, आप हमको लगता है 2012 से पहले तो आप डिबेट नहीं कर रहे होंगे पराली पे, ये 9-10 साल से डिबेट पराली पे हो रही है, तो मेरे कहने का मतलब ये जो 10 साल में डेवलपमेंट की चीजें आई है देश के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से जो सिस्टम से नहीं है उसके कारण देश की जनता को ये भुगतना पड़ रहा, और आप आरोप हमारे ऊपर लग रहे हैं जबकि हम दोषी कहीं नहीं हैं। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच मोहित जी एक फाइनल कमेंट आज की डिबेट का, कुल मिलाकर के फौरी तौर पर कैसे राहत मिल सकती, क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है इसका हल तो बताइए डॉक्टर साहब। अनियंत्रित आबादी का बढ़ना और अनियंत्रित शहर में बसना जी, ये दो मुख्य कारण है, जब तक हम इस पे कंट्रोल नहीं करेंगे, नियमों का कड़ाई से पालन नहीं करेंगे और लंबे अवधि के हम टारगेट नियम नहीं बनाएंगे तब तक परिवर्तन थोड़ा मुश्किल है, और जो आम जनता हमें सुन रही है उनको बहुत सारे पौधे ऐसे आते हैं जो घरों में लगाए जाते हैं जो एयर प्योरीफायर का काम करते हैं, आपने शुरू में बताया, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, भीड़ भाड़ वाली एरिया से जहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं वहाँ से दूरी बनाए रखें, सुबह और शाम दो समय
बाहर जब तक कि ये ठंड का मौसम है बाहर निकलने से बचें। अगर आप ये छोटे छोटे वो स्टेप लेंगे, छोटे छोटे उपाय अगर हम कर सकते हैं जो मोहित जी ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, तो बहुत हद तक प्रदूषण से कमी तो लाई जा सकती, खत्म नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम जी आपका भी, अभिषेक जी आपका भी, डॉक्टर मोहित जी आपका भी, हरनाम जी आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रदूषण को लेकर सरकार अपना दावा करती है, राज्य सरकारें अपना तर्क देती हैं, सुप्रीम कोर्ट भी अपनी नाराजगी जाहिर करता है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार कब प्रदूषण से निजात मिलेगी और लोगों को स्वच्छ हवा कब मिलेगी। नमस्कार।